दोस्तों अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर समर सेल चल रहा है, फायदा उठाना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छे डिस्काउंट मिल रहे हैं। इसका लाभ आपको जरूर उठाना चाहिए। किन किन प्रोडक्ट पर बेस्ट डील चल रही है उन सब पर मैं लगातार वीडियो लेकर के आ रहा हूं। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं रिन्यूड पीसी के बारे में। जिन लोगों का बजट कम है, नया पीसी बिल्ड नहीं कर सकते, 10 से 15 हजार के अंदर उनको चाहिए पीसी, तो वो लोग नए के पीछे ना भागे। ये रिन्यूड पीसी अगर आप बाय करते हैं तो आपके लिए बेहतर परफॉर्मेंस ये जो है दे सकते हैं। इस पर आप सारे ऑफिशियल वर्क या फिर आप घर पे चलाना चाहते हैं या फिर आपकी दुकान है, फोटोशॉप कोरल ड्रा वगैरह चलाना चाहते हैं, लेटेस्ट वर्जन पर अगर आप काम करना चाहते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो ये सारे के सारे काम इस पर बिल्कुल इजीली कर सकते हैं और इस बजट में काफी बेहतरीन ये पीसी हो सकते हैं। कौन कौन से पीसी हो सकते हैं समझने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और वीडियो को प्लीज लाइक करें, शेयर कर दिया करें इस टाइप की तमाम वीडियोस को देखने के लिए। आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उन लोगों के लिए जिनका बजट बहुत ही कम है, यानी 10 हजार भी नहीं है, 10 हजार के अंदर उनको पीसी चाहिए। उनके लिए लेनोवो थिंकसेंटर का M700 काफी अच्छा हो सकता है क्योंकि ये काफी बिक रहा है और लोगों का जो रिप्लाई है वो बहुत अच्छा आ रहा है, रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, लोग इससे बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। मात्र 9200 रुपए का इस वक्त ये प्राइस है और ये जो है इंटेल i3 6th जनरेशन के साथ में ये आपको मिलेगा। 8GB DDR4 रैम है और 256GB SSD के साथ में विंडोज 11 अपग्रेडेड है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये DP पोर्ट के साथ में ये आ रहा है। 2 DP पोर्ट इसके अंदर मिलेगा। अगर HDMI ही सपोर्ट करता है आपका मॉनिटर तो एक जो है कन्वर्टर आपको बाय करना होगा, उसके बाद आप इससे चला सकते हैं। एक जबरदस्त इस प्राइस के अंदर आने वाला ये पीसी हो सकता है अगर आपका बजट कम है, 9000 के आसपास है, तो 9200 रुपए में आप इसको बिल्कुल भी बाय कर सकते हैं, बहुत अच्छा ये पीसी हो सकता है। बाकी सारे पोर्ट्स इसके अंदर भर भर के आपको मिल रहे हैं, इसीलिए कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे वीडियोस पे बात हम लोगों को करनी है क्योंकि डील चल रहा है। बाकी ज्यादा ही जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, इन सभी के बारे में जान सकते हैं। लेकिन वीडियो को जरूर देखें पूरी, इससे आपको यह पता लगेगा कि आप किस पीसी पर कौन सा काम कर सकते हैं। इसके बाद इससे थोड़ा सा और ऊपर अगर आप चलते हैं और अगर आपका बजट 12.5 से 13 हजार के आसपास में है तो लेनोवो थिंक सेंटर का ही i5 6th जनरेशन के साथ में ले सकते हैं। 8GB DDR4 रैम लगा हुआ है, 512GB SSD लगा हुआ है, बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन में 12,600 रुपए आज का प्राइस है। ये प्राइसेस हमेशा ऊपर और नीचे होता रहता है हर घंटे इस वक्त खास करके, तो जिस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त का क्या प्राइस है, सही प्राइस के लिए आपको लिंक पर क्लिक करना होगा और वहां जाकर के आपको देखना होगा कि एग्जैक्टली सही प्राइस क्या इसका है। और ये भी बिल्कुल विंडोज 11 अपग्रेडेड है और बहुत अच्छे प्राइस में है, बिल्कुल इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डेल में आ जाते हैं। डेल ऑप्टिलेक्स 3040 टीनी मॉडल है, बहुत ही बेहतरीन, इससे बहुत ही ज्यादा लोग सेटिस्फाइड हो रहे हैं। i5 6th जनरेशन के साथ में और 8GB रैम है, 480GB SSD लगी हुई है, विंडोज 11 अपग्रेडेड ये भी है, USB 3.0 सपोर्ट के साथ में आता है, VGA HDMI के साथ में ये आएगा, बहुत अच्छा जितने में भी है ये एक अच्छा पीसी आपके लिए हो सकता है। सारे लेटेस्ट काम करेंगे, सारे लेटेस्ट वर्जन इस पर जो है, कोरल ड्रा फोटोशॉप चला सकते हैं, साथ में काफी सारे गेमिंग का भी आप मजा ले सकते हैं। इसके अंदर डिस्प्ले के लिए एक HDMI और एक DP पोर्ट मिल जाता है, यानी कि दो मॉनिटर जो है आप इसके अंदर लगा करके सिमल्टेनियस काम कर सकते हैं। ट्रेडिंग वालों के लिए भी एक अच्छा पीसी ये हो सकता है। अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वक्त जो है 12,990 यानी कि 13,000 रुपए में आ रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा प्राइस है। इसके बाद अगर हम चले नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो डेल ऑप्टिलेक्स 3060 है, ये i3 8th जनरेशन का प्रोसेसर है, ये कहीं ना कहीं i5 पिछला जरूर है लेकिन वो 6th जनरेशन है और ये i3 का 8th जनरेशन है, मिला जुला करके परफॉर्मेंस दोनों का बराबर रहने वाला है, लेकिन ये i3 8th जनरेशन है इसलिए इसमें लीगली आप विंडोज 11 कभी भी आप जो है फॉर्मेट करके इस पर इंस्टॉल कर लेंगे क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट है 8th जनरेशन का। और उसके बाद जो है 4GB रैम इसके अंदर लगी हुई है, रैम थोड़ी सी कम है चूंकि 8th जनरेशन है, आप चाहें तो 4GB का एक और रैम इसके अंदर एक्सपेंड कर देंगे फिर ये जो है पीसी और अच्छा काम करने लग जाएगा। 240GB का SSD लगा हुआ है, विंडोज 11 के साथ में ये आएगा, एक बहुत अच्छा पीसी ये भी हो सकता है। बाकी सारी चीजें सेम है, प्राइस की बात करें तो 12,500 रुपए आज का प्राइस है। बाकी नेक्स्ट के अंदर हम चलते हैं HP के अंदर, जो कि एक बहुत अच्छा पीसी ये हो सकता है, HP 800G3 टीनी मॉडल और ये i3 6th जनरेशन में 3.2 GHz तक जाता है, 8GB रैम है और 240GB SSD विंडोज 11 अपग्रेड
इंक्लूडेड है। इसके अंदर डिस्प्ले पोर्ट की अगर हम बात करें तो एक इसके अंदर VGA आउट मिल जाता है और दो DP मिल जाता है, यानी कि तीन मॉनिटर इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। जो लोग ट्रेडिंग का काम करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। मात्र 9400 रुपए के अंदर ये मॉडल आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो वो है HP 800G3 के अंदर ही i5 6 जनरेशन के साथ में। जो पिछला वाला आपने देखा वो i3 6 जनरेशन में था और ये i5 6 जनरेशन के साथ में है। 8GB RAM के साथ में, 240GB SSD के साथ में, Windows 11 Pro के साथ में आएगा एक बिजनेस है, MS Office भी साथ में है, Wi-Fi USB 3.0 का सपोर्ट मिलेगा। इसके अंदर भी तीन डिस्प्ले आप कनेक्ट कर पाएंगे, बाकी USB वगैरह सब कुछ भर भर के मिल रहा है। बिल्कुल डेस्कटॉप की तरह फैसिलिटीज इसके अंदर मिल रही है। i5 6 जनरेशन के साथ में 11,800 रुपए का प्राइस है आज का। करंट प्राइस क्या है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यह है HP का EliteBook 800G2। इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने इसको बाय किया है और रिव्यू किया हुआ है, चैनल पे है, अगर आप चाहें देख सकते हैं। बिल्कुल इसका कंप्लीट हमने रिव्यू किया हुआ है। i5 6 जनरेशन के साथ में 8GB DDR4 RAM के साथ में, 256GB SSD के साथ में ये आया हुआ है। SATA 3 SSD लगी हुई है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। इसका गेमिंग टेस्ट, वीडियो एडिटिंग टेस्ट सब कुछ जो है चैनल पे पड़ा हुआ है, इसका कंप्लीट रिव्यू मैंने दिया हुआ है, चाहे तो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। विंडोज 11 के साथ में ये अपग्रेडेड आएगा, आपको कुछ भी अलग करने की जरूरत नहीं है। बाकी तीन डिस्प्ले इसके अंदर लगा सकते हैं, दो DP पोर्ट मिलता है, एक VGA पोर्ट मिल जाता है, जिससे आपका सारा काम बिल्कुल बेहतरीन ढंग से हो जाएगा। प्राइस की अगर हम बात करें तो मात्र 13,200 रुपए का आज के रेट में प्राइस है। बहुत अच्छा प्राइस है, बिल्कुल आप इसको बाय कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन प्राइस के साथ में एक बहुत ही अच्छा मिनी पीसी जो है आप ले सकते हैं, जिसके ऊपर आप नॉर्मल वीडियो एडिटिंग, YouTube वीडियो एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। साथ में ही जो है आप काफी हद तक कई सारी गेम्स को भी आप खेल सकते हैं, जिसका पूरा डिटेल्स में वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिटेल्स में टेस्ट करके भी आपको दिखाया हुआ है, वो चैनल पे पड़ा हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों जिनका बजट कम है, आज के रेट में नया पीसी नहीं ले सकते, वो लोग रिन्यूड पीसी की तरफ जा सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो दे रखा है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इंफॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस को लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।